नमस्कार, JSSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। झारखंड जीके ट्रिक का जो सीरीज डिसकंटिन्यू हो गया था उसको मैं यहाँ पे फिर से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप फनी ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी ने आई थिंक जो मेरा 2 मिनट का जो झारखंड जीके का ट्रिक था, जिसमें आप पूरा का पूरा मैप याद किए थे, आई थिंक उसको आपने जरूर देखा होगा। तो उसी तरह के मैं ट्रिक यहाँ पर अभी एक से एक बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और आज हम इस ट्रिक में हम लोग बात करेंगे झारखंड के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में हम लोग ट्रिक को माध्यम से याद करेंगे कहाँ पर है और उसका स्थापना कब हुआ था। अगर आप ये 2 चीज़ याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने ही वाला है। मैं लास्ट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, टोटल 7 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो क्वेश्चन से आपको पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ मुझे स्टूडेंट हमेशा बोलते रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें और मुझे पता कैसे चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसका एक सिंपल फंडा है कि आप जहाँ से भी पढ़ें, या खुद से पढ़ें या किसी ट्यूटर का मदद लेके पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप एक चीज़ बस ध्यान दे के दीजिए कि अगर मान ले कोई आप चैप्टर खत्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बिरसा आंदोलन खत्म कर रहे हैं, तो बिरसा आंदोलन खत्म करने के बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चल जाइए, जो झारखंड या जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से देखिए आपको सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर आपका क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है, अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। इतना सिंपल है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस फनी ट्रिक को याद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी सेट झारखंड का बिना इस टॉपिक के क्वेश्चन के बनता ही नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन देखने को पक्का ही पक्का मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा हुआ है उनके लिए बेसिकली क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए क्वेश्चन है। दलमा वन्य अभयारण्य, मतलब दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका उद्घाटन जो है किस वर्ष हुआ था, किस साल उसका उद्घाटन हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1985, 1987, 1975, 1976। 99% लोग यहाँ पे 76 टिक करेंगे जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि बुक्स में आपको यही पढ़ाया गया है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपका गलत है। अगर आप ये आंसर करके आते हैं तो ये आपका गलत होता है, जो कि JSSC में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है 1975। तो इसका आंसर 1975 क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसी तरह से जिस तरह से मैं बताता हूँ तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा झारखंड जीके इजी कर दिया हूँ, एनिमेशन और ट्रिक के माध्यम से पूरा झारखंड जीके आपके लिए कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपका झारखंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स सारा ही कवर है, जिसको आप यहाँ पे इनरोल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने में मुझे टोटल 16 महीने का समय लगा है, तो काफ़ी मेहनत करके इसको प्रिपेयर किया गया है और एकदम टू द पॉइंट है, एकदम स्पेसिफिक, जैसे झारखंड क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं एकदम वैसा ही है। तो अगर आपने हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से JSSC एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी देख सकते हैं और हम लोगों ने रिसेंटली एक नया सेक्शन इनलोड किया हुआ PDF नोट्स का, जहाँ पे आप फ्री PDF पा सकते हैं, जो मार्केट में आपको पेड या फिर आप बुक जो खरीदते हैं उसके लिए जरूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहे हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह डाल रहे हैं, कुछ समय बाद आपको PDF नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होगा धीरे धीरे। तो ये बहुत यूजफुल है आपके लिए और अगर आपको वीडियो कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए ये जो ट्रिक का वीडियो है उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बताया था कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन कब हुआ था, तो आप देखिए जो ईस्ट सीबूम का वेबसाइट है वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1975। तो ये 1975 और 1976 का चक्कर क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली बात ये है कि जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका उद्घाटन हो गया था 1975 में, लेकिन इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कब कर दिया गया था, मतलब इसको नोटिफाइड कब कर दिया था, वो था 1976 में, जो कि आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा। सभी बुक्स में 1976 ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिए और एक अच्छे ट्यूटर का मदद ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि झारखंड में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं।
मतलब झारखंड वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो उसका टोटल काउंट है 11, जो कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। टोटल 11 हम लोगों को याद करना। तो ये देखिए यही टेबल है जो आपको याद करना है, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टेबल को अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपको मुश्किल से एक दो आप याद कर पाएंगे, बड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे याद करवाऊंगा आपको, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन हम लोग को याद करने से पहले हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर 2 मिनट में आप झारखंड का मैप याद करवा रहे हैं, लेकिन आपका वीडियो तो 20 मिनट का है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप साल भर तो 10th का परीक्षा के लिए आप पढ़े थे, लेकिन आपका एग्जाम तो 3 घंटा का ही हुआ था ना, तो आप 1 साल तो आप प्रिपेयर किए थे, तो अगर आप 1 साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ही आपको 3 घंटे में देखने को मिलेगा, राइट? तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये जादू है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अरे आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, 2 मिनट उनको आंसर राइट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो। तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, और कैसे याद करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंट कीजिए, और ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग नाम से फेमिलियर होते हैं, ठीक है, नाम से फेमिलियर होते हैं, क्या क्या नाम है यहाँ पे। तो पहला नंबर पे आपका उदवा झील पक्षी विहार। पक्षी विहार मतलब ये हो गया आपका बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। दूसरा है कोडरमा अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य। ये भेड़िया क्यों है, ये भेड़िया इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो अभयारण्य है यहाँ पे जो विलुप्त हो रहे हैं हमारे भेड़िया, उसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। फिर हजारीबाग अभयारण्य, पलामू अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, तोपचांची अभयारण्य, लावा लौंग अभयारण्य और पारसनाथ। तो टोटल 11 में आप 2 नाम ही थोड़ा अलग देख रहे हैं, कौन कौन, एक है आपका उदवा झील पक्षी विहार और एक है आपका महुआटाड़ भेड़िया अभयारण्य। तो भेड़िया अभयारण्य से आपको पता चल गया कि यहाँ पे भेड़िया संरक्षण होता है। उदवा झील पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी, और ये बर्ड सेंचुरी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब और भी बर्ड सेंचुरी है झारखंड में, लेकिन इकलौता ये बर्ड सेंचुरी है जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काउंट किया जा रहा है, मतलब इसका जो लेवल है वो अप हो गया, इसका लेवल बढ़ गया है। और ये जो बर्ड सेंचुरी बोलिए या फिर उदवा झील जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, वो आपका साहेबगंज में है। बस आपको एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे कि अगर कोई पूछे कि ऐसा बर्ड सेंचुरी बताओ कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा, वो आपको साहिबगंज में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का एक एरिया देखते हैं यहाँ पे, तो आपको मात्र टॉप 3 ही याद करना है, बाकी आपको किसी का याद नहीं करना, आपको यही 3 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दलमा का जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछा गया है। और पलामू अभयारण्य जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर है। दूसरा नंबर पर आपका है लावा लौंग। लावा लौंग आप जब मैं कुंड वगैरह पढ़ा रहा था, जब जल प्रपात पढ़ा रहा था, तो आपको भली भांति पता है कि लावा लौंग जो वहाँ कहाँ पर है, वो चतरा में है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। दलमा अभयारण्य तीसरे नंबर पे है, 195 किलोमीटर में फैला हुआ है, और लावा लौंग 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आप नाम से फेमिलियर हो गए हैं कि कितना तरीके से हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि जितना सारा वन अभयारण्य है वो पहले कहाँ पर है, उसके नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है उसमें हम लोग उसका स्थापना याद करेंगे। स्थापना मगर आप एक चीज गौर कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप अलग भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन अगर आप उसको ध्यान दीजिए तो यहाँ आपको डेट कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वो आपका 1976 है, मतलब 1976। उसके बाद का डेट आप याद कीजिएगा तो देखिए 1978, मतलब 2 साल के बाद 1978। फिर उसके बाद देखिए 1978 के बाद कौन सा नंबर है, 1981 है, मतलब इसके 3 साल बाद 1981 के बाद क्या है 1985, मतलब 4 साल के बाद, मतलब 1985। उसके बाद देखिए 1985 के बाद क्या है 1990। तो आप देखिए ये एक आपका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन बन गया, 1976 में 2 ऐड कीजिएगा तो 1978, 1978 में 3 ऐड कीजिएगा 81, 81 में 4 ऐड कीजिए 85, 85 में 5 ऐड कीजिए 90। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन है, और जो 1991 वाला है हम लोगों को ऑलरेडी साहिबगंज के साथ इसको याद कर लेंगे। सबसे जो लेटेस्ट बना हुआ है आपका उदवा झील पक्षी विहार में ही है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे लेटेस्ट बना, ये हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग को 10 याद करना, जिसमें से हम ये सब ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को याद करना है। तो साहिबगंज में तो हम लोग सबसे पहले याद कर लिए हैं कि उदवा झील पक्षी विहार आपका कहाँ पर हो गया, ये साहिबगंज में हो गया, और ये कब बना था, सबसे लास्ट में, मतलब 1991 में। अब हम लोग याद करते हैं जितना भी आपको ग्रीन में दिख रहा है, टोटल 1, 2, 3, 4,
तो ये सब याद करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको कोडरमा अभयारण्य पूछेगा कहाँ पर है, कोडरमा में है। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ पर है, हजारीबाग में है। पलामू अभयारण्य कहाँ है, पलामू में है। पारसनाथ से तब सभी लोग भरी भांति परिचित, जो झारखंड जी के स्टार्ट ही करते हैं उन लोगों को पता है झारखंड में पारसनाथ कहाँ पर स्थित है। तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है पूरे झारखंड के, वो गिरिडीह में स्थित है। तो ये आपका चार और ये आपका पांच याद हो गया, बाकी और हम लोगों को छह याद करना है। अब देखिए उन लोगों को याद कैसे करते हैं, आपको सब कुछ पता है, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। हम लोग पालकोट अभयारण्य सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए पालकोट, जब हम नागवंशी वगैरह पढ़ रहे थे, जब आप पढ़े होंगे नागवंशी शासन, तो पालकोट जो एक क्षेत्र था जो नागवंशियों के राजाओं का बहुत बड़ा एरिया रहा है, मतलब ये जो लोहरदगा गुमला वाला एरिया रहा है, ये नागवंशियों का पूरा एरिया रहा, जहाँ उन्होंने गुमला में जानते होंगे वो डोईसागढ़ अपनी राजधानी चेंज किए थे, है कि नहीं। तो ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो पालकोट एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, जो आपका गुमला में नया है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के राजाओं का जो स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है और उसके नजदीक में कौन सा अभयारण्य है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपका पालकोट है जहाँ पे नागवंशियों का शासन रहा था और इधर बहुत अच्छा ढंग से वो लोग शासन किए थे। तो आप पालकोट याद कीजिएगा नागवंशियों से रिलेट करके, ठीक है। दलमा जो कि अगर ये पूरा 11 लिस्ट में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है तो आपका है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य के बारे में हम लोग देखते हैं। दलमा अभयारण्य का नाम दलमा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो अभयारण्य है इसके चारों तरफ दलमा की पहाड़ियां हैं। और ये कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम वाला, यहाँ पर दलमा पहाड़ियां, जिसको दलमा रेंज भी बोला जाता है, दलमा रेंज जो कि बहुत फेमस है। अगर आप इंडियन जीके भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे। तो दलमा रेंजेस जो है, यहाँ पर दलमा की पहाड़ियां हैं, वहीं पर स्थित है आपका दलमा अभयारण्य, इसको भी याद हो गया। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य, देखिए झारखंड में इकलौता नेशनल पार्क कहाँ पर है, झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो आपका लातेहार जिला में है। तो लातेहार जिला में ही हमारा महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य है। तो आपको दो चीज से याद हो गया, एक तो याद हो गया कि नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो लातेहार में है, और जो भेड़िया अभयारण्य था वहीं पर है। तो आप सिंपल इतना ही याद करना है कि जहां पर आपका नेशनल पार्क है वहीं पर आपका भेड़िया अभयारण्य। पलामू अभयारण्य याद हो गया, पलामू में गौतम बुद्ध अभयारण्य। देखिए जो हमारा ये वाला एरिया रहा है, चतरा हजारीबाग कोडरमा, ये वाला एरिया काफी प्रभावित रहा है बौद्ध धर्म से, और इधर गया भी है आपको पता है। और गौतम बुद्ध के नाम से ही जो कोडरमा में जो अभयारण्य है उसको गौतम बुद्ध अभयारण्य कर दिया गया। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका कहाँ पर हो गया, कोडरमा में हो गया। तो कोडरमा में आपका गौतम बुद्ध अभयारण्य हो गया। अब याद करते हैं हमको तोपचांची अभयारण्य। तो तोपचांची आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा या फिर जो आप जो ज्योग्राफी में हम लोगों ने बताया था, आप तोपचांची बहुत बार पढ़े होंगे। और तोपचांची कहाँ पर है, वो आपका धनबाद में है। मैं बस आपको ये चीज़ें याद दिला रहा हूँ, उसके बाद जब स्थापना वाला पढ़ेंगे उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे ये स्थापना वाले में कैसे ट्रिक लगेगा। तो तोपचांची अभयारण्य कहाँ पर हो गया आपका, धनबाद में हो गया। और लावालौंग आप लोगों ने देख लिया कि वो चतरा में स्थित है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार मेरे साथ साथ आप दोहरा लीजिए मन में, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कौन कहाँ पर है। तो उधवा झील पक्षी विहार, इकलौता जो पक्षी विहार है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो आपका साहिबगंज में है। और इसका डेट भी हम लोग को याद है, सबसे लेटेस्ट 1991। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में है। पालकोट अभयारण्य नागवंशियों का शासन, गुमला। दलमा अभयारण्य दलमा रेंजेस मतलब पूर्वी सिंहभूम। महुआ टाड़ अभयारण्य कहाँ पर, जहाँ पर बेतला है मतलब लातेहार। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में। पलामू अभयारण्य पलामू में। गौतम बुद्ध कोडरमा में। तोपचांची अभयारण्य धनबाद में। लावालौंग सबको पता है चतरा में। और पारसनाथ गिरिडीह में। ये आपको याद हो गया, मतलब अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दलमा अभयारण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम। पलामू अभयारण्य कहाँ है, पलामू, ठीक है। तोपचांची कहाँ है, धनबाद। तो ये आपको याद हो गया। मेन जो चीज़ है कि इसका स्थापना को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्थापना का एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने बनाया है जो आप इसमें पढ़ेंगे। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिक, कि क्या मैंने इसमें ट्रिक बनाया है। तो बड़ा ध्यान से बड़ा पेशेंटली देखिए, बड़ा फनी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा एक बार में ही। तो सबसे पहले मैंने बताया था अपना ऑब्जर्वेशन कि 1976, हम लोगों को बस एक ही याद करना 1976। अगर आपको 1976 याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएगा,
क्योंकि 1976 में आपको दो ऐड करना है, फिर जितना आएगा उसमें तीन ऐड करना है, फिर जितना आएगा उसमें चार ऐड करना है, फिर जितना आएगा पांच ऐड करना है, और हम लोग को 1990 तक पहुंचना है और लास्ट में साहेबगंज में हम लोग को उद्वाजी पक्षी विहार बना देना है, काम खत्म। तो 1976 से स्टार्ट करते हैं। तो गौतम नाम का एक व्यापारी है, ठीक है, गौतम नाम का एक व्यापारी है जो क्या चीज का व्यापार करता है, वो दो चीज का व्यापार करता है, एक दाल का व्यापार करता है और दूसरा महुआ का व्यापार करता है। मेरा पहला लाइन यहीं पे खत्म होता है, गौतम जो है एक व्यापारी है जो दाल का खेती करता है और महुआ का खेती करता है, बस। अब आप देखिए, अगर आपको जो कृषि झारखंड के पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पलामू वाले एरिया में जो दाल और तिल, मतलब दलहन और तिलहन की जो खेती होती है, सबसे ज्यादा पलामू वाले एरिया में होती है, ठीक है। और आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए कि जो दलहन और तिलहन की खेती होती है सबसे ज्यादा वो पलामू में होती है। ये जो महुआ है, आप लोग सभी इससे परिचित होंगे, इससे देशी शराब बनाई जाती है, जिसको देशी शराब बनाई जाती है, जिसको महुआ दारू भी बहुत कोई बोलते हैं। और ये जो महुआ है आपका हजारीबाग वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। आपको हजारीबाग में हर एक एरिया में आपको अगर बोलिए मुझे देसी शराब चाहिए तो आपको महुआ का दारू हर जगह ही मिल जाएगा। तो हमारा पहला लाइन यही खत्म होता है, गौतम नाम का व्यापारी है जो दाल का व्यापार करता है और महुआ का व्यापार करता है। और दाल कहाँ से लाएगा, वो दाल लाएगा पलामू से जहाँ सबसे ज्यादा उपजता है, और महुआ कहाँ से लाएगा, वो हजारीबाग से लाएगा। तो यहाँ से क्या क्या आपको याद हो रहा है, और हम लोग को पता है ये पहला है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1976 की। तो 1976 में कौन कौन याद हुआ आपका, गौतम से आप याद कीजिएगा गौतम बुद्ध, तो यहाँ टिक मार दीजिए 1976। गौतम क्या चीज का खेती करता था, दाल का, दाल से आप कीजिएगा दलमा, ये हो गया आपका 1976। और दाल कहाँ से मिलता था उसको, पलामू से, तो पलामू भी आपका हो गया 1976। और फिर महुआ, महुआ से आप याद कीजिएगा महुआ टाड़, 1976। और महुआ कहाँ से लाता था, हजारीबाग से, हजारीबाग भी आपका क्या आ गया 1976। तो ये पांचों आपका याद हो गया 1976, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये गौतम जो था, इसका व्यापार खत्म हुआ, सीजन खत्म हो गया, तो ये वापस आ रहा था। वापस आने समय क्या हुआ, इसके साथ हो गया धोखा, इसके जो पूरा का पूरा जो पैसा था, पूरा का पूरा पैसा चोरी हो गया, कोई लूट के ले गया। इसको पता नहीं था कौन लूट के ले गया, अंधेरा में आदमी लोग आया, गन इसके सर पे दागा और सबको यहां से लूट के भाग गया। अब सबको मास्क पहन के आया हुआ था तो पता नहीं कौन लूट के ले गया, पूरा का पूरा पैसा ये बर्बाद हो गया। अब ये व्यापारी था, पूरा मेहनत किया था, अपना जी जान लगा के घर वर पोस रहा था ये, अब इसको पूरा का पूरा ये गुस्सा आ गया इसको। अब ये गुस्से में दूसरा लाइन क्या बोलता है, ध्यान देखिए दूसरा लाइन के बारे में। दूसरा बोलता है तोप लाओ, तोप लाओ, जो भी लाया हो उसको हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये बहुत फनी ट्रिक है, आपको याद करने के लिए मैंने बनाया ताकि याद रहेगा आपको। तो तोप लाओ से यहाँ पे आपको दो चीज याद हो रहा है, तोप से याद होगा आपको तोपचांची, और लाव से याद होगा आपको लावालौंग। तो 1976 में लोग कितना ऐड करना था, दो ऐड करना था, तो दो ऐड कीजिए कितना होगा 1978। तो 1978 ऐड कीजिएगा तो आपका होगा यहाँ पे 1978 तोपचांची, और लावालौंग भी होगा आपका 1978, ठीक है। 1978 के बाद हम लोग कितना ऐड करना है, तीन ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा मेरा 1981। ये हमारा दूसरा सीन खत्म होता है। अब ये तोप तो ले आया, बुलवा के ये तोप ले आया, लेकिन इसको पता नहीं था कि कौन इसका चोरी किया है, कौन चोरी किया है इसका पैसा, इसको कैसे पता लगाया जाएगा। तो याद कीजिए कि जो हमारा पुराना जमाना में जो किला लोग बनाते थे, महाराजा लोग बनाते थे, वो क्या करते थे, एकदम पहाड़ के ऊंची चोटी में वो लोग बनाते थे। पहाड़ की ऊंची चोटी में इसलिए बनाते थे ताकि कोई भी दुश्मन अगर कहीं से आ रहा है तो वो देख पाएंगे। तो इसके दिमाग आया कि क्यों ना झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में चढ़ जाए और देखे कि कौन चोरी किया था। आप इसको प्रैक्टिकल मत समझिएगा, ठीक है, ये फनी ट्रिक है। तो ये क्या किया कि सबसे ऊंचा जगह में चढ़ने का वो प्लान बनाया। तो झारखंड में सबसे ऊंचा जगह कहाँ पर है, सबको ही पता, पारसनाथ में, मतलब गिरिडीह में। तो वो तोप लेके पारसनाथ चला गया, ये तीसरा इंसिडेंट था, चला गया, ठीक है, पारसनाथ। तो हम लोग को तीन ऐड करना था, कहाँ पर, पारसनाथ में। तो तीन ऐड कीजिए यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ पे 1981, क्लियर है। अब वो पारसनाथ पहाड़ी पे तोप लेके चढ़ गया है, अब उसको देखना है कि कौन जो था उसको लूटा था पूरा का पूरा पैसा उसका, ठीक है। तो जब यहाँ चढ़ा तो उसको पता चला कि कल्लू पहलवान नाम का एक जो लुटेरा था वो पूरा का पूरा लूट के पैसा चला गया था। अब देखिए कल्लू पहलवान के से हम क्या क्या याद कर सकते हैं,
ठीक है, ये चौथा इंसिडेंट है हमारा। कल्लू से आप क्या याद कर सकते हैं, कल्लू का केस है आप याद कर सकते हैं कोडरमा। तो हम लोगों ने तीन ऑलरेडी ऐड कर दिया था, 1981 तक हम लोग पहुंच गए, तो प्लस इसमें फोर ऐड करेंगे, मतलब ये होगा मेरा 1985 होगा मेरा कोडरमा। और पहलवान के पी से हम लोग याद करेंगे पालकोट, और इसमें हम लोग कितना याद करेंगे, चार तो ऐड कर लिए, चार ऐड नहीं कर पाएंगे हम लोग, पांच ऐड करेंगे, तो ये मेरा होगा 1990। और उधवा जी पक्षी विहार आप 1991 ऑलरेडी याद कर लिया। तो देखिए कितना फनी ट्रिक से आप पूरा का पूरा स्थापना है सब आपको याद कर लिए, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से। अगर आप इसको याद करने लग जाइएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कहाँ पर कैसे कैसे। अब क्या करते हैं हम लोग, आप पढ़ तो लिए हैं, अब इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी यहीं पर। कैसे रिवाइज करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो गौतम व्यापारी था दाल पलामू से लाता था और महुआ लाता था हजारीबाग से। गौतम दाल फिर पलामू फिर हजारीबाग से महुआ, ये पांचों हो गया मेरा 1976, ठीक है भैया याद हो गया। अब इसमें हम लोग को प्लस टू ऐड करना है। अब जब आके लाया तो उसके पास धोखा हो गया, पूरा पैसा चोरी हो गया था। अब गुस्सा में क्या बोला वो, तोप लाओ। दूसरा मेरा इंसिडेंट यही था, तो तोप से मेरा हो गया था तोप चाची और लावा लौंग, ये हो गया मेरा 1978। अब ये देखा कि पता नहीं था कौन था, चढ़ गया ये पारसनाथ की पहाड़ी पे, इसमें तीन ऐड करेंगे हम लोग, तो ये होगा मेरा 1981। पारसनाथ की पहाड़ी पे चढ़ा तो पता चला कि कल्लू पहलवान ने चोरी किया था, तो कल्लू का केस याद हो गया मेरा कोडरमा, जो आपका हो गया 81 के बाद 85 हो जाएगा, चार ऐड करेंगे तो। और 85 के बाद पहलवान के पी से याद करें हम लोग, यहाँ पर जाएगा मेरा 1990। और उधवा जी मेरा लास्ट सबसे लेटेस्ट हुआ था 1991। तो ये पूरा का पूरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा आपका टिक पे हो गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। जो एक्सेप्शन था, जो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना चाहिए था, वो मैंने बता दिया कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन कब हुआ था, वो हुआ था 1975 में, लेकिन इसको अधिसूचित जब किया गया था वो कब किया गया था 1976 में। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। मैंने देखिए मैंने तीन चीज बताया हुआ था आपको, टॉप थ्री याद रखना था, पलामू का, फिर आपका था लावा लौंग जो चतरा में है, और तीसरा कौन था, दलमा वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था, तो आप याद कीजिए लावा लौंग जो था आपका 207 में था और दलमा कितना था, दलमा आपका 195 में था, तो आपको 195 यहाँ पे टिक करना है, आंसर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, दलमा वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ियां हैं। देखिए दलमा से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दलमा वन्य अभयारण्य के कौन सी पहाड़ियां हैं, दलमा रेंज मतलब दलमा की पहाड़ियां हैं जो आपको कहां पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में दलमा वन्य अभयारण्य है, अभी मैंने बताया ये कहां पर आपका, पूर्वी सिंहभूम में है, इसका आंसर हो गया पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, महुआ टाड़ भेड़ अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है। महुआ टाड़ भेड़ अभयारण्य आपका वहीं पर है जहां पे आपका नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कहां पर है, लातेहार में, जिसका आंसर कहां हो गया, लातेहार, इसका आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो पालकोट मैंने बताया नागवंशी से संबंधित है, ऐसे करके मैंने बताया था, और गुमला में उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया था, तो ये आपका हो जाएगा गुमला में आंसर। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले मिले हैं। ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही मिक्स कर दिया है। तो ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहां पे चेरो राजाओं का शासन था, पहले तो आपको ये याद करना है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे और अगर आपने मेरा लेक्चर देखे हैं, अगर मेरा कोर्स को इनरोल किया है, तो मैंने बताया था उसमें कि चेरो जो वंश है वो आपका पलामू वाले एरिया में है, ठीक है, पलामू जो परमंडल है उसमें है। तो पलामू वाला एरिया हमारा कौन सा वहां पे अभयारण्य, आप देखिए दलमा है क्या, नहीं दलमा क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में। कोडरमा है क्या, नहीं है कोडरमा, कोडरमा में हजारीबाग, हजारीबाग में। तो बेतला नेशनल पार्क जो है आपका लातेहार में है। बेतला नेशनल पार्क कहीं कहीं देखिएगा आपको पलामू में मिलेगा, रीजन बिकॉज कि मैंने जब परमंडल पढ़ा था, पलामू परमंडल, तो मैंने बताया था कि पूरा का पूरा पहले क्या था, पलामू था, बाद में लातेहार अलग हुआ था। तो जब लातेहार अलग हुआ तो जो बेतला नेशनल पार्क का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका लातेहार में आ गया, इसलिए हम लोग इसको लातेहार कहते हैं। तो आपको याद करना है चेरो राजाओं के समय स्मारक कहाँ पे और किले कौन से मिले हैं, तो आपका बेतला नेशनल पार्क के आसपास वो मिले हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। तो ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तब तक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल प्ले स्टोर से JSSC एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे PDFs और जो कोर्सेज वगैरह रहते हैं, टेस्ट सीरीज रहते हैं, सारे वहीं पे अवेलेबल हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट GK ट्रिक में बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।